हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि SSCMT 2022 का रिजल्ट आने वाला था, लेकिन अभी तक दोस्तों SSC ने इसके रिगार्डिंग कोई भी अपडेट नहीं दिया है। 2 महीने 6-7 दिन से ज़्यादा हो गए, लेकिन अभी तक SSC इसके रिगार्डिंग कुछ भी अपडेट नहीं दे रही है। ठीक है दोस्तों, और मैंने आप लोगों से ये भी बोला था कि आप लोग इंतज़ार मत करिएगा रिजल्ट का। जो भी है अपना जो स्टडी है आगे का, अपना जो एग्ज़ाम का फॉर्म भर के हैं उसको तैयारी कीजिए, जो आपको अच्छा लगता है वो पढ़िए, और उम्मीद करता हूँ कि आप ये सब कर रहे होंगे। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो में दोस्तों कुछ अलग बात करने वाले हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है SSCMT 2022 के रिजल्ट के रिगार्डिंग, और सबसे ज़्यादा जो है कमेंट इसी के रिगार्डिंग आ रहे हैं। टेलीग्राम ग्रुप में भी इसी के रिगार्डिंग क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, और क्वेश्चंस ये है दोस्तों कि MPS का कटअप ज़्यादा जाएगा कि हवलदार का कटअप ज़्यादा जाएगा। दूसरा ऐसे पूछे जा रहे हैं कि पहले हवलदार का रिजल्ट आएगा कि MTS और हवलदार का रिजल्ट दोनों साथ में आएगा। तो इन सारे क्वेश्चंस को दोस्तों लॉजिक से देखेंगे। पिछले साल जिस तरह SSC ने रिक्रूटमेंट प्रोसेस कराई है उसको उसके अनुसार देखेंगे, या फिजिकल जो हवलदार में होता है, जैसे जो CGL में जो फिजिकल होता है हमारा डिपार्टमेंट करवाता है, जैसे GST इंस्पेक्टर प्रिवेंटिव ऑफिसर जिसका भी, तो उसके रिगार्डिंग देखेंगे कि वो कैसा कैसे करते हैं। तो इसमें जो है वैसा होने वाला है कि नहीं, डिपार्टमेंट कराएगा कि नहीं, कि SSC ही कराएगा। तो सारे चीज़ों को दोस्तों हम लोग फैक्ट वाइज देखेंगे। ठीक है, कहीं भी जाइएगा नहीं, पूरा ध्यान से देखिएगा, और मैं गारंटी दिलाता हूँ कि अगर आप लोग पूरा वीडियो देख लिए तो आपका जो है कोई भी डाउट नहीं बच जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसके बाद से तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला दोस्तों क्वेश्चंस को ये और चलते हैं कि MTS का कटअप ज़्यादा जाएगा कि हवलदार का कटअप ज़्यादा जाएगा। दोस्तों इसके पहले सबसे पहले हम चलते हैं MTS 2022 के वैकेंसी पे। वैकेंसी आप लोगों को पता होगा कि 12,000 करीब वैकेंसी है, जिसमें हवलदार का जो वैकेंसी है 530 है। ठीक है, और SSC ने अपने नोटिफिकेशन में बोल रखा है कि जो हवलदार का फिजिकल का के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा उसमें 5 गुना कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। ठीक है, और 5 गुना कैंडिडेट्स मतलब 530 वैकेंसी है, मतलब 2650 कैंडिडेट्स को लगभग शॉर्टलिस्ट किया जाएगा हवलदार के फिजिकल के लिए। अब इसमें जो दोस्तों वही कैंडिडेट्स होंगे, ऐसे आपको पता होगा कि जितने भी कैंडिडेट्स एग्जाम दिए हैं सारे कैंडिडेट्स के प्रिफ्रेंस में लगभग हवलदार होगा ही, MTS होगा ही, सारे डाले होंगे, ये कोई भी छोटा नहीं है, एक जॉब की ज़रूरत होती है। तो इसमें जो शॉर्टलिस्ट किया जाएगा 2650 कैंडिडेट्स को, वो जो टॉपर्स होंगे 2650 ऊपर से, वो उन्हीं को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। इसमें ये नहीं देखा जाएगा कि पहले हवलदार किसका है, पहले MTS किसका है, क्योंकि आपको पता होगा कि ये जो है केवल अभी फाइनल रिजल्ट नहीं दिया जा रहा है, शॉर्टलिस्ट किया जा रहा है। अब 2650 कैंडिडेट्स में ये दोस्तों उसमें से 500 कैंडिडेट्स को हवलदार के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, और मैक्सिमम चांस ये है कि जो कैंडिडेट्स टॉपर भी है और जो कैंडिडेट्स गलती से हवलदार पहले डाल दिए हैं उनको पहले हवलदार का पोस्ट मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों प्रॉब्लम ये होता है कि कुछ कैंडिडेट्स जो है बहुत चलाक होते हैं और वो जो है हवलदार का फिजिकल देने ही नहीं जाते हैं, जिसके कारण वो जो है उनको MTS का पोस्ट कुछ मिल जाता है और हवलदार में उनको कंसीडर नहीं किया जाता है। जैसे SSC के नोटिफिकेशन भी अभी आप लोग देख लिए होंगे कि बोला गया है कि अगर हवलदार का फिजिकल में एब्सेंट रहते हैं या हवलदार में के फिजिकल में डिस्क्वालीफाई होते हैं तो आपको MTS के लिए कंसीडर किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये क्लियरली लिखा गया है, मैं लगा दूंगा। तो उसमें जो है दोस्तों जो टफर होते हैं और हवलदार के फिजिकल देने नहीं जाते हैं तो उसके बाद देखा जाता है सीक्वेंस, मतलब कि जैसे कि मान लीजिए 2650 कैंडिडेट्स क्वालिफाई हुए और उसमें से कुछ कैंडिडेट डिस्क्वालीफाई हुए, जैसे 200-300 डिस्क्वालीफाई हो गए जो कि रेयर ही है, तो मान लीजिए 2300 कैंडिडेट्स जो ऐसे हैं जो कि क्वालिफाई, या 300 कैंडिडेट्स ऑब्सेंट हो गए, मतलब 2000 कैंडिडेट्स 500 सीट के लिए क्वालिफाई हो गए। ठीक है, तो जो ये ऑब्सेंट हुए या डिस्क्वालीफाई हुए वो आउट नहीं हुए, वो MTS के सीट के लिए अभी एलिजिबल है। ठीक है, अब 2000 कैंडिडेट्स में से 500 का सिलेक्शन हो रहा है। अब उसमें ऐसे कैंडिडेट्स होंगे जो कि जिनका हवलदार पहले नंबर प्रेफरेंस होगा किसी भी स्टेट का, तो उनको हवलदार ही मिल जाएगा। ठीक है, और अब भी कुछ सीट बचेंगे जिसमें कि सीक्वेंस देखा जाएगा कि हवलदार कितना नंबर पर, जिनका पहले होगा और सारे कैंडिडेट्स के कंपैरिजन में उनको मिल जाएगा सीट, तो ये 500 कैंडिडेट्स ऐसे शॉर्टलिस्ट किया कर लिया जाएगा और जो 1500 बचेंगे वो फिर MTS में चले जाएंगे। तो दोस्तों इससे आप लोगों को पता चलता है कि जो हवलदार का जो कटअप है इस बार सबसे ज़्यादा जाने वाला है, मतलब MTS से भी ज़्यादा जाने वाला है। क्यों? क्योंकि सीट भी कम है और प्लस में जो टॉपर्स होंगे वहीं शॉर्टलिस्ट होंगे हवलदार के फिजिकल के लिए, और उसी में से 500 कैंडिडेट्स को हवलदार के लिए चुना जाएगा, क्योंकि अलग से तो कभी कहीं बुलाया नहीं जाएगा। लेकिन MTS 2021 में आपको पता होगा कि 3500 कैंडिडेट्स थे दोनों, मतलब MTS में भी 3500, हवलदार में भी 3500, तो उसके कारण जो है बैलेंस हो गया था और लगभग सेम ही गया था हवलदार और MTS का कट ऑफ। ठीक है दोस्तों, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होने वाला, तो ये तो कन्फर्म हो गया कि हवलदार का पहले कट ऑफ ज़्यादा जाएगा, MTS का उससे थोड़ा सा कम जा सकता है, 1 से 2 नंबर। ठीक है, अब ये तो हो गया पहला क्वेश्चन। दोस्तों दूसरा क्वेश्चन पे जाते हैं कि पहले हवलदार का रिजल्ट आया या MTS और हवलदार का साथ में आया। तो
तो दोस्तों पहले हम देखते हैं कि क्या क्या हो सकता है, जिसे अभी तो इसका कोई मतलब ये जो है जवाब नहीं दिए एसएससी, लेकिन अगर हम लोग पहले पॉसिबिलिटी की ओर देखते हैं कि एमटीएस और हवलदार का रिजल्ट साथ में आएगा, तो इसमें क्या क्या संभावनाएं हैं, क्या क्या हो सकता है। तो इसमें दो संभावनाएं हैं। पहला ये कि अगर एमटीएस और हवलदार का रिजल्ट साथ में आए तो डिपार्टमेंट फिजिकल कराएगा हवलदार का। लेकिन इसको और अगर एक्सप्लोर करें, अगर मान लीजिए कि डिपार्टमेंट फिजिकल कराती है किसी भी जैसे 2650 कैंडिडेट्स है उसमें उनको कराना है, 2000 कैंडिडेट्स जो है क्वालिफाई कर गए, डिपार्टमेंट जो है 2000 कैंडिडेट्स को क्वालिफाइड घोषित कर दी, तो ये जो है दोस्तों ये काम अब डिपार्टमेंट के अंडर में आ जाएगा रिजल्ट डिक्लेयर करने का। जो एमटीएस का जो 500 तो उसमें सिलेक्शन होना है, 1500 कैंडिडेट्स फिर एमटीएस में उसको कंबाइन करके फिर देना पड़ेगा, डिपार्टमेंट के हाथ में आ जाएगा, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। तो ये जो है पहला पॉसिबिलिटी, ये गलत होता है। दूसरा इसमें ये हो सकता है कि एसएससी ही फिजिकल कराए, एक बार रिजल्ट निकाल दे फिर एसएससी ही फिजिकल कराए हवलदार का। तो मान लीजिए पहले तो एमटीएस हवलदार का दोनों के साथ में रिजल्ट निकाल दिए, उसमें कुछ कॉमन कैंडिडेट्स हैं जो कि एमटीएस में भी है और हवलदार में भी है, तो फिर फिजिकल करा दिए एसएससी, और फिजिकल कराने के बाद फिर जो 500 कैंडिडेट्स हवलदार में सिलेक्ट होते हैं, 1500 कैंडिडेट्स फिर जाने वाले हैं एमटीएस में, तो फिर से एसएससी को रिजल्ट देना पड़ेगा, जो कि एसएससी बिल्कुल ही करना नहीं चाहेगी, दो दो बार रिजल्ट देने का काम। तो ये जो दोस्तों पहला हमारा ये है ना फैक्ट कि एमटीएस और रिजल्ट का, एमटीएस और हवलदार का रिजल्ट साथ में आएगा, ये गलत होता है यहाँ पे, ठीक है। मतलब पॉसिबिलिटी यही है कि साथ में ना आए, ठीक है। और दूसरा पॉसिबिलिटी ये है दोस्तों कि हवलदार का रिजल्ट जो है एमटीएस का पहले आएगा, हवलदार का रिजल्ट एमटीएस से पहले आएगा, जो कि सबसे ज़्यादा ये लग रहा है। क्योंकि दोस्तों अगर मान लीजिए हवलदार का जैसे रिजल्ट अभी जो है फिजिकल का जो शॉर्टलिस्ट किया जाता है इतने कैंडिडेट्स को, जैसे 2650 कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट किया जाता है, और एसएससी लिस्ट एक निकालती है जिसमें कि बताती है कि इन इन कैंडिडेट्स को फिजिकल देना है, उसमें मान लीजिए कटअप भी नहीं बताती, तो ये तो पता चल जाएगा जिन जिन कैंडिडेट्स का सिलेक्शन हुआ है उसमें किनका किनका सिलेक्शन हुआ है और एनसीईआरटी के अनुसार उनका कितना बन रहा था और उनका नॉर्मलाइज कटअप कितना था रैंक आईक्यू पे, तो उससे पता चल जाएगा कि एमटीएस का भी कटअप कितना जा सकता है, उसके आसपास ही रह सकता है। तो इसके लिए आप लोगों को टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना पड़ेगा, आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए, वहाँ पे डिस्कशन होती रहती है इसके रिगार्डिंग, जब भी रिजल्ट आएगा या फिजिकल के रिगार्डिंग नोटिस आएगा तो वहाँ पे पता चल जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों वो है कि जैसे कि फिजिकल के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया, फिर एसएससी फिजिकल भी करा दी, और फिर उसमें से 2000 कैंडिडेट्स क्वालिफाई भी कर गए, और फिर उसके बाद 500 कैंडिडेट्स हवलदार के लिए, फिर 1500 कैंडिडेट्स एमटीएस में फिर से वापस चले जाएंगे, और उसमें प्रीफ्रेंस के अनुसार जिनको हवलदार पहले होगा उनको हवलदार मिल जाएगा, जो टप्पर होंगे उनको हवलदार मिलेगा, फिर बाद में फिर एमटीएस वो 1500 कैंडिडेट्स चले जाएंगे, या जो छोड़े होंगे फिर वो एमटीएस में चले जाएंगे, फिर बाद में दोस्तों वो जो है रिजल्ट निकालेगी एसएससी। इधर हम लोगों का जो हवलदार का रिजल्ट आएगा अगस्त के लास्ट वीक में या सितंबर के फर्स्ट वीक में, इससे हम लोगों को बहुत हद तक पता चल जाएगा कि कितना कटअप जा सकती है, और मैं इसके रिगार्डिंग एक वीडियो भी बना दूंगा, और डिस्कशन के लिए आप लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। हैव अ गुड डे, एंड उम्मीद करता हूँ ये वीडियो अच्छा लगी हो आप लोगों को, और दोस्तों अच्छा लगी हो तो प्लीज दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि बहुत मेहनत लगा इस वीडियो को बनाने में, एंड बी कंसेंट्रेट टू योर गोल, इट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर यू एट दिस टाइम एट दिस मोमेंट, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।